माय नेम इज मंजीत कौर. मंजीत कौर हाँ जी. एंड माय क्वेश्चन इज कि आज के पेरेंट्स है जो, जैसे कि हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि जैसे हमको डांसर बनना है या कुछ भी बनना है, तो हमारे घर वाले बोलते हैं नहीं तू ये करेगी, लोग क्या बोलेंगे, या फिर तेरे पापा तो कीर्तन करते हैं कुछ करते हैं तो तू ये करेगी, तो हमको अपना गोल अचीव करना चाहिए या फिर लोगों की बातें सुननी चाहिए? अगर ये स्पेसिफिक एग्जांपल है डांसर वर्सेस, नहीं इसके अलावा भी कुछ और, जैसे कि हमको मतलब अपने स्ट्रीम से अलग जाके कुछ करना हो ऐसे. हाँ, अलग जाके कुछ करना हो तो उसके स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन के टाइम. जैसे कि रियली में मैं क्या करना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पापा कीर्तन करते हैं, मेरी फैमिली इज़ वेरी वेल नोन फॉर रिलीजियस पर्पजेज, पर मैं डांस करना चाहती हूँ. ये तो मेरे को बनना है या कुछ ऐसा है, तो फिर लोग बोले कि नहीं तू ये करेगी, ऐसा कैसे कर नहीं, सकते वो ये वाला जो वर्ड है ना उसको स्पेसिफिकली बोलो. ये क्या, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो आप क्या अचीव करेंगे? ये समाज बोले या ना बोले, डांसर क्या अचीव करती है? इंसानियत के तल पर डांसर का अचीवमेंट क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि हमको कोई चीज़ आगे बढ़ना है, जैसे दूसरी फील्ड में जाकर कुछ बनना हो. हाँ, दूसरी फील्ड तो हाँ. आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कुकरी क्लासेस लेके आप बढ़िया कुक बनना चाहते हैं, ये दूसरी फील्ड है. और एक इंटरेस्ट भी होता है ना कि नहीं हाँ. मेरे को ये चीज़ करनी है. हाँ, मेरे को इंटरेस्ट है बच्चे, आप बताओ ना मंजीत कौर जी. कुछ भी लाइक कुछ ऐसे, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, डांसर हो गया, मॉडल हो गया, कुछ भी हाँ. तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर बाहर के लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे क्रिकेटर हो गया. हाँ, क्रिकेटर बनो. हाँ बनो, कोई बात नहीं है. देखो मैं एग्जाम्पल आपकी बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने दूसरा सेंटेंस एक और बोला, वर्ड बोला डांसर या मॉडल. हाँ, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो क्रिएट कर दी गई हैं, जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं और जिनमें अश्लील कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करना पड़ता है और काफ़ी कुछ गलत रास्ते पर लोग चले जाते हैं. आपको नहीं मालूम है कि कौन से रास्ते पर चले जाते हैं? मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके ऊपर इम्पोज भी नहीं कर सकता. मुझे जैसे मालूम है, मैं उसको स्विच कर रहा हूँ कि ऐसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं उनको भी मालूम हो कि डांसर या मॉडल बनने से बाद में क्या नुकसान होते हैं. मैं अभी इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं गारमेंट फैशन डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, पर मैं गारमेंट इंपोर्ट करता था अमेरिका में. तो मुझे पता लगा कि डांसर से लेके मॉडल गर्ल्स को कैसे फैशन डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, कैसे वो सिगरेट पीने से लेके नशा करने तक लेके, और कैसे वो सेक्सुअली मल्टीपल सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं और कैसे उनको एड्स होती है, ये सारे रास्ते उसी जगह जाते हैं. इन बातों के लिए पेरेंट्स को पहले से रियलाइजेशन होती है कि हमारा बच्चा कौन से मार्ग पर जा रहा है. लेकिन अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे क्रिकेटर बनो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं बनो, है ना, ये बात अलग है. तभी मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, उस फील्ड को कंपेयर करते हुए. बेटी डांसर है, पिताजी कीर्तन करते हैं, ये कंट्रास्ट आपके घर को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा. आपकी अपने पेरेंट्स के साथ दूरी बढ़ गई, तो आप कौन सी नई फील्ड दुनिया में करके चांद पर पहुँचना चाहते हैं? अगर एक बच्ची जो नासा से गई, क्या नाम था उसका, कल्पना चावला, वो गई तो उसके घर वालों का नाम रोशन है. बट व्हाट शी डिड, क्या उसने सारे कपड़े उतार दिए? क्या उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? क्या उसने शराब पीनी शुरू कर दी? क्या उसने 80% गंदे कपड़े पहन, 80% कपड़े उतार के अपने आप को बिकनी में पेश किया? उसके मम्मी पापा तो गर्व से सिर ऊँचा रखते हैं, भाई हमारी बच्ची चांद पर गई. हम क्या अचीव करना चाहते हैं मॉडल बन के? हम क्या अचीव करना चाहते हैं डांसर बन के? हमारे को कंपैरिजन भी तो आना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में जाना चाहती हूँ, इसके बाद वहाँ उस फील्ड में जाने के बाद रेप्रिकेशंस क्या हैं मेरी जवानी के ऊपर, मेरे फ्यूचर के ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर, और जब मैं माँ बन जाऊँगी तो क्या इफेक्ट होगा. राइट राइट.
और एक और क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि जितने भी परसेंटेज, जैसे 10th में 48% कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ्यूचर में वही तो रिजल्ट दिखाना होता है, तो फिर इसमें क्या, जब भी हम कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमको वो रिजल्ट दिखाना पड़ता है, तो फिर वो बोलते हैं नहीं ऐसे इतने कम परसेंटेज तुमको ये नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा। वेरी गुड, आपने फ्यूचर का क्वेश्चन किया। मेरे को, मैं फ़र्ज़ करो मैं 10th ग्रेड में हूँ, मेरे को ये समझ में आई कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन किया जाएगा, तो मैं अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करूँगी, है ना, जिगर से बीड़ी जलाई ले तो नहीं करूँगी ना, कम से कम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये जितने गाने आ रहे हैं ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हमारा, इन्हीं जो हम नौजवान लोग देखते हैं हमारे कारण ही उनकी TRP हाई है, हमारे कारण ही वही नंगे नाच करने वाले लड़के लड़कियां हमारे सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं और अल्टीमेटली वोट लेके मिनिस्टर बनने के सपने देखते हैं, है ना। तो हमको फिर ना समझ में आ जाएगा कि मैंने अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट नहीं करना। जब वेस्ट नहीं करेंगे नंबर अपने आप आ जाएंगे, नंबर फॉलोस, रिद्धियाँ सिद्धियाँ पीछे लगियाँ फिरें, राइट। और एक और क्वेश्चन था कि अंकल जी ने बोला था कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि वो आगे बढ़ें, हम उनको डांटें या कुछ करें, तो आपने बोला था कि उनको सिर्फ प्यार दो, सिर्फ, हाँ, तो प्यार देंगे तो वो बिगड़ भी तो जाएंगे बच्चे की, बिगड़ने दो, प्यार से बिगड़ा हुआ ठीक है, नहीं वो बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तो बच्चे बोलेंगे हमारे माँ बाप तो कुछ बोलते ही नहीं है, है वो हमें प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं, तो वो तो सर पर चढ़ जाएंगे ना। तो ऐसा कोई रास्ता कि बच्चे, हाँ, कदर भी करें अपने माँ बाप की और अच्छे नंबर भी लें। डंडे से जबरदस्ती रोटी खिला के पुलिस वाला आ जाएगा दूध पी ले, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, डरा डरा के सब कुछ कराने से तो अच्छा सिर पे चढ़ जाए। प्यार करो बस, प्यार इज नेवर ट्राइड, ये एक्सरसाइज की नहीं गई, सारे के सारे हिटलर बनने को तैयार है। प्यार करना बहुत मुश्किल गेम है, एक लड़के को एक लड़की के साथ किसी होटल में जाके सॉफ्टी खा लेना या जंगल में या पेड़ के पीछे जाके जप्फी डाल लेना, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार एक बहुत बड़ी कला है, प्यार भगवान के साथ तशबीह दी जाती है, जिन प्रेम की होती इन्हीं प्रपायों कहा जाता है। प्यार एक फीलिंग है जो चारों तरफ करनी होती है, हर किसी के साथ करनी होती है, और उसमें कंपटीशन नहीं होता है और उसमें शरारत छूट जाती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे भी कोई कुछ कर रहा है वो प्यार ना करने का कारण, उसने हमको गलत बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने हमको बोला कैसे, ओह माय गॉड कितना गुस्सा ऐसा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, दूसरे के साथ प्यार से बिहेव करना है, नहीं तो मैं उसको दो लगा के दूंगा थप्पड़, उसने मेरे को ऐसा बोला कैसे, ऐसे मतलब कैसे कंट्रोल करें अपने आप को। हाँ, तो दो लगाने वाली फीलिंग छोड़नी होगी ना भाई, कोई बोल गया बोल गया, कोई बात, डोंट प्ले द नो बॉल, जो क्रिकेट में नो बॉल होती है ना वो वाली नहीं खेलनी, बस वेल लेफ्ट करते हैं उसको, ऐसे ना बैट उठा देते हैं, ये बॉल को जाने दो, वेल लेफ्ट सीख लो, वेल लेफ्ट की प्रैक्टिस करने से आपको आउट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, रन नहीं बनेगा तो क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू।